घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब आए हैं स्टेटमेंट लेने। हाँ ठीक। ये आवाज तो बेबी के रूम से आ रही है। छोड़ो मुझे, जाने दो। ट्विंकल, चिंकी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी जिसने बेबे को मारने की कोशिश करी थी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अनीता आंटी को फोन पे क्या कहते हो सुना? बोल। हाँ मैंने अनीता आंटी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था बेबे के बारे में। बस मैंने तभी ट्विंकल को कॉल कर यहाँ बुला लिया और हम दोनों बेबे के रूम में छुप गए। एक मिनट। हाँ मैं फोन पे किसी से बात कर रही थी, लेकिन मुझे बेबे के लिए बहुत ज्यादा टेंशन थी। बेबे को अगर आज रात को होश आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बेबे की मौत से सारा परिवार बिखर जाएगा। चिंकी पहले ये बताओ, क्या तुमने मुझे बेबे का मर्डर प्लान करते हुए सुना था? क्या तुमने ये सुना था कि मैंने किसी से कहा हो कि वो यहां पर आकर बेबे को मार डाले? या क्या तुमने ये सुना था कि मैं इस आदमी से कह रही हूँ कि ये हॉस्पिटल की विंडो से अंदर आके बेबे को मार डाले? बोलो, सुना था ऐसा कुछ? बोल चिंकी, सच बता, बता दे सच सबको। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना था मैंने। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो फिर तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा कैसे सकती हो चिंकी? शर्म नहीं आती अपनी दोस्त की हाँ में हाँ मिलाते हुए? अरे कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। और ट्विंकल तुम, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने बेबे की जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगाते फिरो। रहन दो अनीता, तुम तो इसे और इसकी माँ को अच्छी तरह से जानते हो। इन्हें तो बहाना चाहिए, मौका चाहिए तुम्हें हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए। और तुम टेंशन वेंशन ना लो, ऐ सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा बंद कीजिए, ये हॉस्पिटल है, आप लोगों का घर नहीं। और हाँ रही बात सच और झूठ की, उसका पता तो मैं लगा लूंगा। बेबे, बेबे, ट्विंकल, बेबे आपको होश आ गया? तुम लोग सब? हाँ बेबे, हम सब हॉस्पिटल में। ट्विंकल, ये वही है जिसने मुझे गिराया था? जी बेबे, हमने इस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन बेबे इसने सारा इल्जाम कुंज पे डाल दिया और कुंज अब जेल में है बेबे। क्या? कुंज जेल में? इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपने इस आदमी को पकड़ लिया ना, और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, अब आप इसे प्लीज लॉकअप में बंद कीजिए और कुंज को रिहा कीजिए। सब प्लीज जल्दी जाइए, कुंज की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे कुंज के साथ सौतेला बर्ताव कितना, उसे जेल में बंद करवा दिया। तुम लोग
लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा कुंज अपनी बेबे को नुकसान पहुंचा सकता है? बेबे, दरअसल उस वक्त हम लोगों को आपकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, और फिर उसके ऊपर से उस आदमी ने कुंज का नाम भी ले दिया, इसीलिए सब कुछ हो गया। और वैसे भी बेबे, कुंज के पास आपकी प्रॉपर्टी का रीजन तो था ही ना। आई मीन, देखिए, फर्ज कीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी कुंज और ट्विंकल की ही हो जाएगी ना। अरे अनिता, तू रहने दे, रहने दे, तू किस दुनिया में रहती है तू? इतना गुस्सा, इतनी नफरत, तू क्या जानती है मेरे कुंज के बारे में? तुझे पता है कुंज कैसा है? अरे वो तो किसी अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल ले। अगर जेब में खेला ना हो ना, जेब खाली हो ना, फिर भी वो सामने वाले को मदद करने के लिए चूके नहीं। ऐसा है मेरा कुंज। तुम सब लोगों ने कुंज को गलत समझा, दिमाग खराब हो गए तुम लोग का, दफा हो जाओ यहां से। तू आ गया। तू ठीक है पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेबे, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ पुत्र। दोस्त तू आ गया, यूवी ने तुझे बहुत मिस करा, पता है तुझे? मैंने ट्विंकल, इत्या, इत्या मेरे कॉल बैक। आज तेरी वजह से मैं जिंदा हूं, मेरा कुंज ठीक है। पुत्र, तूने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तू किसी वरदान से कम नहीं, रब का आशीर्वाद है तू हमारे लिए। जिंदी रहे। शुक्र है मैंने वक्त पर ब्रेक लगा दी, वरना कुछ भी हो सकता था। गड्डी ने ठोक दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई संभालो इसे, इस मैडम ने एक्सीडेंट कर दिया। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरी गड्डी ने इन्हें नहीं मारा, ये तो अचानक मेरी गड्डी के सामने आ गए थे। ओ मैडम जी, तुसी रहने दो, वो जिस बंदे ने एक्सीडेंट किया है वो कभी कहता है एक्सीडेंट उसने किया है। एक मिनट, एक्सीडेंट हुआ कहाँ है? ये तो भले चंगे खड़े हैं यहाँ पर। भले चंगे? आपकी गड्डी के नीचे आते आते बचाए, अभी इसकी जान जाने वाली थी, आप कह रही है भला चंगा है? और किसी की जिंदगी मजाक है क्या? किसी की जान ले लोगे आप? अरे अमीरों का काम ही यही है, पहले अपनी लंबी महंगी गाड़ियों से लोगों को कुचलो और भाग जाओ यहाँ से। अरे मैडम, तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। एक मिनट, मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता है ना, तो मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, उनका चेकअप करवाती हूँ। चलिए आप। मैडम आप इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकती, बुलाओ पुलिस को। हाँ बुलाओ जल्दी से। अभी पुलिस को बुलाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।